दादी है ना इसे ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें एक गिलास पानी डाल करके इसे पहले गर्म करें, इसके रख के एक गिलास के लगभग मैंने ये पानी लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हल्का सा गुनगुना हो जाए, तो इसमें डाल करके आप ढक्कन लगा करके इसे उबाल लें अच्छे से। फिर मैंने आप देख सकते हैं मसाले की मात्रा मैंने आप लोग को बताई है, नमकीन नींबू और प्याज मैंने रखी है, तो आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको उबाल लेती हूँ। एक चम्मच आधी चम्मच के लगभग पहले इसे नमक ऐड करके इसे ढक कर उबाल लें इस तरह से, ऐसे उबालें ढक दें। आप देख सकते हैं कि ये उबल रहे हैं, इसी तरह से उबल रहेंगे। अब मैं इसे गैस बंद करके इंडक्शन बंद कर दीजिए, उसके बाद में आप इसे छान लीजिए इस तरह से, आप छन्नी की सहायता से आप इसे छान लें। चलिए मैं छानकर आप लोग को नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं बढ़ूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे छन्नी से छान लिया है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। इधर मैंने पैन चढ़ा दिए हैं इंडक्शन पे, उसमें एक से दो चम्मच के लगभग आप डाल दें रिफाइंड, और इसे गर्म होने दें। उसके बाद में मैं ओनियन इसमें डाल करके पिंक होने तक भूनूंगी, उसके बाद में आप पानी का स्टेप। आप देख सकते हैं प्याज हल्के से भून रहे हैं, आप इस स्टेप पे ये कॉर्नफ्लावर जो है इसे आप डाल दीजिए। आप बनाने जा रहे हैं जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, इस तरह से मैंने इसे या कुछ ये जो नहीं किए हैं जो आप देख सकते हैं, इस तरह से ऐसे हल्के से बनाएंगे। आप देख सकते हैं देख सकते हैं हल्का ही और चलेगा। तो फिर मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जीरा भुना डाला, उसके बाद में मैंने चाट मसाला डाला। वैसे मसाला तो इसमें लाजमी है, जब ये चाट है तो इसमें मसाले तो डाल ही सकते हैं। देख सकते हैं मैंने आधी चम्मच के लगभग आपको बताया था कि मैंने नमक पहले से मैं डाल चुकी थी, तो अधिक नमक हो जाएंगे इसलिए मैंने इतना ही ऐड किया है। इसे नीचे डाल दे और इसे दो मिनट के लिए धोने फ्लेम को कम कर दे, फ्लेम कम फ्लेम से आप इसे धोने, जिससे ये थोड़ा बहुत आधी पक चुकी है, आधी और पकेगी। और इस तरह से इसे ढक दे, नींबू का रस मैं बाद में इसमें डालूँगी जो आप लोग को हम तो जल्दी में इसे ढक करके दो मिनट के नीचे कभी पीछे आप देखते रहें चलाते रहें। आप देख सकते हैं मैंने इसे कर लिया है अच्छे से पके हुए हैं, इस तरह से आगे पकाने से करके देखिए अच्छे से। और अब मैं इसे ट्रे में ट्रांसफ़र करूँगी, जो आप देख सकते हैं इस तरह से डाल दें, थोड़े से तरह से डाल दें। और इसमें अब मैं और सारे जो इंग्रेडिएंट्स बचे हैं उसे मैं ऐड करूँगी, तो ये और भी खास और सुंदर टेस्टी लगेगा। इसमें आप सोया सॉस, जिसे मैंने मीठा कुछ खट्टा कुछ मीठा चाट बनाए हैं, इसमें तो सोया सॉस आप ऐड कर लें। थोड़े से मीठ यहाँ पे मैंने ओनियन कच्चे थोड़े से बचा लिए थे उसे आप ऐड कर लें, और नींबू का रस इसमें डाल दें जिससे खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा जो काफ़ी ही अच्छा लगता है इसमें। इस तरह से अब इसे इस तरह से मिला लें, तो देखिए कितना सुंदर ये चाट बन करके रेडी है आप लोगों के लिए। इस तरह से आप भी बनाएं अपने घर पे और इंजॉय करें। तो कैसी बनी रेसिपी मुझसे शेयर करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।